के साथ में कार्य किया था बताओ देखे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हमने फेसबुक पर एक पेज है स्प्रिंग बोर्ड मी मड्डा, है ना, वो कोई अपने स्टूडेंट का किसी का बनाया हुआ है। वो स्टूडेंट अपना नाम तो बताते नहीं कौन है, पर है स्टूडेंट ही वो अपने, जो स्प्रिंग बोर्ड की मीमी बनाते हैं वो, और कोई स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट उसी को समझ में आते हैं और किसी को तो समझ में भी नहीं आते हो। तो उन्होंने एक दिन एक मीम बना रखा, नरेंद्र मोदी बराक ओबामा, दो फोटो लगे हुए, यहां नरेंद्र मोदी, यहां कौन है, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जो बाइडन। मोदी जी बने तब कौन थे, ओबामा, बीच में कौन आ गया, ट्रंप, बाद में कौन आ गया, फोटो तो वो लगा रखी, नीचे लिख रखा मिर्जा राजा जय सिंह जहांगीर, मिर्जा राजा जय सिंह शाहजहां, मिर्जा राजा जय सिंह। मैंने कहा यार तुम ठीक इस बार पढ़ाई वाला मीम लेके, मतलब ये उसी बंदे को समझ में आएगा जो पढ़ता है, बाकी किसी को समझ में नहीं। ये एक दिन उन्होंने एक मीम बना रखा कि अशोक गहलोत तो बैठे और यूं यूं हाथ बंद कर रखा है, ऊपर लिखा रीट लेवल 2 रद्द करने के बाद। अशोक गहलोत करे, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात साथ नहीं कह सकता। मगर यार पढ़े लिखे लोगों के मीम भी पढ़े लिखे टाइप के ही होते हैं, ये फिर पढ़े लिखे लोगों के समझ में आते हैं, पर वो ये मीम तो मुझे लगता है और आगे बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर आएगा, बाइडन मरने वाला है, कभी मर सकता हो, बाद में अपनी कमला आएगी, वैसे बाइडन मरेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला संभालने लग जाएगी, तो छतरी के नीचे कौन आ जाएगी, कमला, तो एक चौथा और आने वाला है इधर। तो मैंने नहीं बताया था कि, तो बात बताई थी ना मैंने कि मोदी जी अमेरिका गए थे ये जो बाइडन के बनने के बाद, तो उनका एक वो फोटो खूब वायरल हुआ कि बरसात आ रही है, मोदी जी के हाथ में छाता है और कमला हैरिस भागती भी आ रही है उधर से बरसात में, अपने वालों ने किसी नीचे लिखा कि मेरे छतरी के नीचे आ जा क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी तो कमला जल्दी छतरी के नीचे आने वाली है। बाइडन मरेगा और बाइडन मरेगा तो कमला बननी है बाद में, तो एक और हो जाएगा मौका आगे। तो ये तो मिर्जा राजा जय सिंह आगे निकलता जा रहे हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किस किस के साथ काम किया बताओ देखे। जहांगीर के टाइम में अपने साउथ इंडिया में एक जगह पड़ती है अहमदनगर, साउथ इंडिया में जगह कौन सी है, और जहांगीर के अहमदनगर वालों के साथ लड़ाई चले, और अहमदनगर में उधर जो सेनापति बन के लड़ रहा था उस बंदे का नाम था मलिक अंबर।